हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैप गुरु चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड में। इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि इसमें बहुत घबराए हुए हैं और ये सोच नहीं पा रहे कि स्टॉक में बने रहना है या निकल जाना है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इस वीडियो के एंड तक देखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इसका जो गिरावट है वो कहाँ तक जाएगी और उसके पीछे जो रीज़न मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीज़न है। और नमूरा का भी इसमें कुछ रेटिंग आया है तो उसको मैं दिखाऊंगा कि नमूरा का क्या है इस स्टॉक के प्रति, और स्टॉक का जो रिज़ल्ट आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग कि स्टॉक का जो रिज़ल्ट है तो पिछले क्वार्टर्स और इस क्वार्टर में इसका कैसा प्रदर्शन रहा है, इसका हैवी व्हीकल्स में, मीडियम और इसका जो स्मॉल व्हीकल है, तो सारी सेल्स के बारे में हम लोग एक बार डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसका ग्रोथ है। क्योंकि इस स्टॉक का लास्ट मंथ में करीब 9 डेज़ के लिए इनका उत्तराखंड का जो प्लांट था वो भी कुछ दिनों के लिए 9 डेज़ के लिए बंद की गई थी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इनका जो था डिमांड में कमी आई थी, इस वजह से इनका प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। तो उसका वजह भी इनके सेल्स पे देखने को मिला इसके रिजल्ट में, और जिसका वजह है कि स्टॉक में पिछले महीने से और खास करके फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त गिरावट है और इस स्टॉक ने करीब 60 रुपये का लो बनाया था। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आएगा इस वीडियो। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं, इस वीडियो के एंड तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्राइडे को जो है कि 6.46% का इसमें लो देखने को मिला था और 4.5 रुपये के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिला, और ये स्टॉक अभी जो है कि 64.4 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है आपको। और वहीं पर देखिए, इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखिए, इसमें ट्रेडिंग इसमें का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़बरदस्त है, करीब 14 करोड़ का इसमें वॉल्यूम है लास्ट फ्राइडे का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इस स्टॉक के लिए कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इस स्टॉक के प्रति, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। और जो न्यूज़ है मैं उसके बारे में सीधा चलता हूँ आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, अशोक लेलैंड स्टैंड अलोन जो इसका जून 2019 का जो नेट सेल्स है वो हो गया 5683 करोड़ का इसका जो नेट सेल्स रहा है। तो इसको अगर ईयर एंड ईयर पे देखें तो 9% के आसपास इसमें डाउन देखने को मिला है। तो सीधा इसका असर जो है कि स्टॉक पर आपको देखने को मिला फ्राइडे को, और ये 1 अगस्त का न्यूज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो डिटेल में एनालिसिस आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट सेल्स है 5683 करोड़ का ये जून में रहा इस जून में, और ये जो कि 9% का डाउन रहा है। और सेम चीज़ तो था जून का, यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रॉम 6250 करोड़ इन जून 2018। अगर इसी महीने के पिछले साल में अगर हम लोग देखते हैं कि उस साल में इसका जो सेल्स कैसा रहा है, तो उस पिछले साल 2018 जून की बात करें तो 6250 करोड़ का इनका नेट सेल्स रहा है। तो ये देख सकते हैं कितना का गैप है इसमें। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 230 करोड़ का इसका जो है कि जून 2019 का रहा है, और उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 37% ऑलमोस्ट 37.8% का इसमें आपको डाउन देखने को मिला है। अगर पिछले साल कंपेयर करते हैं जून 2018 का, तो यहाँ पे जून 2018 में 370 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और इस साल का जून का है 230 करोड़ का। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा का मतलब अंतर कह सकते हैं, डाउन 37.8। यही रीज़न है दोस्तों कि इस स्टॉक में पिछले कई महीनों से ये कह सकते हैं इस साल से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला, और ये स्टॉक करीब 170 के आसपास से स्टॉक जो है कि गिरना शुरू किया है। तो ये स्टॉक लास्ट फ्राइडे को 60 का लो बनाया, जो कि बहुत लोगों का ये मतलब धड़कने बढ़ गई है स्टॉक के प्रति, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टॉक इस लेवल तक गिरेगी। बहुत लोग का मानना था कि ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगी, तो 80 रुपये तक था एक्सपेक्टेड था कि 80 रुपये से नीचे नहीं जाएगी। सब लोगों का मानना यही था कि ये स्टॉक बॉटम बना चुकी है और थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिला था, लेकिन इतना ज़्यादा गिरावट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस स्टॉक से, जो स्टॉक के 60 रुपीज़ के आसपास जो लो बना है। अब इसमें जो है कि ये स्टॉक में डर बन चुका है कि ये स्टॉक 50 तक जाने का चांसेस है, क्योंकि इनके आने वाले 1-2 रिज़ल्ट तो इनका सही नहीं रहेगा, ये सभी को पता है, क्योंकि डिमांड में बहुत ज़्यादा
कमी है, और तो एक दो जो क्वार्टर है इनका बहुत ख़राब जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक दो अगर ख़राब गया तो इस स्टॉक में भी फिर और ज़्यादा गिरावट देखना बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा संभल के रहें और उस हिसाब से संभल के क्या रहना दोस्तों, ये कह सकते हैं कि अच्छा मौका भी है अपने जो कि थोड़ा बहुत जो पैसे बचा के रखें उसको इन्वेस्ट करने का, और जो आपका जो डाउन जो पोर्टफोलियो है उसको एवरेज आउट करने का भी अच्छा मौका है। वहीं पे एबिटा की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ 558 करोड़ का एबिटा रहा है जून 2019 में, और जो कि 20% का आपको यहाँ पे देख सकते हैं डाउन है। यहाँ पे 6697 करोड़ का था जून 2018 में। तो हर तरह से इस स्टॉक पे मार पड़ी है दोस्तों, जिसका असर हम लोगों ने इसके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है। अगर EPS की बात करें, EPS दिखाता है कंपनी को प्रॉफिट कितना है, तो EPS में भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिला है। अशोक लेलैंड EPS हैज़ डिक्रीज टू 0.78, मतलब कम हो के वो 1% से भी ज़्यादा का 1% से भी कम इसका EPS हो गया है जून 2019 में। अगर पिछले साल जो देखते हैं अगर जून इसी महीने में तो 1.26 का EPS था, तो EPS में भी गिरावट देखने को मिला है। तो ये मिला जुला दोस्तों इसका ये है, और जिसका वजह आप अगर यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं आपको पिछले 3 क्वार्टर का अगर कंपैरिजन दिखाऊं मैं आपको, तो आपको सीधा देखने को मिल जाएगा जून 2018 में 6250 करोड़ का इसका नेट सेल्स रहा है, और मार्च 2019 में अच्छा खासा इजाफा हुआ था और 8722 करोड़ का इसका नेट सेल्स हुआ था, और जून 2019 में सीधा घट करके 5611 करोड़ का नेट सेल्स रहा है। तो नेट सेल्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कैसा रहा है इसका, और वहीं पर आपको मैं इसका प्रॉफिट की बात करूँ कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है। आप यहाँ पे जून 2018 है ना, जून 2018 में अगर देखते हैं पिछले साल इसी महीने में तो 370 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2019 में आप देख सकते हैं कि 652 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 653 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल में बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें डाउन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा है, 230 करोड़ पे आ गए इसके नेट प्रॉफिट में। तो यही सारे रीज़न है दोस्तों, यही सारे कारण हैं इस स्टॉक को बिल्कुल बैड परफॉर्मेंस का, तो आप समझ सकते हैं इस स्टॉक के प्रति। अब मैं आपको सीधा यहाँ पर ले चलूँगा, यहाँ पर अशोक लेलैंड हिट्स 52-week लो ऑन वीक जुलाई सेल्स, नमूरा न्यूट्रल ऑन स्टॉक। नमूरा जो है कि इस स्टॉक पे न्यूट्रल है, और टारगेट प्राइस इसने 72 का पर शेयर के हिसाब से रखा है। तो उन्होंने नमूरा भी इन्होंने थोड़ा सा इस स्टॉक को भी डाउनग्रेड पहले भी किया था और अभी किया है। यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी टोटल सेल्स डिक्लाइन 28%। टोटल सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, हैवी व्हीकल्स है, मीडियम व्हीकल्स है और स्मॉल व्हीकल्स है, तो अगर सबको कंबाइंड करके इनके नेट सेल्स का अगर हम लोग बात करें तो 28% जो है कि इनका नेट सेल्स में डाउन देखने को मिला है। आपको यहाँ पर यूनिट्स में अगर बात करें तो 10927 यूनिट्स इनके थे, और ये जो है कि आप को अभी हुए हैं, और इसे लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट्स इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। अगर 2018 जून की बात करें और इस साल की जून की बात करें, तो इस साल के जून में आपको 28% डाउन होकर के 10927 यूनिट्स सेल हुए हैं, और वहीं पे पिछले साल जून महीने में 15199 यूनिट्स इस कंपनी ने बेचे थे अपने प्रोडक्ट्स को। तो इसमें भी 28% का नहीं, जितने भी अगर यूनिट्स वाइज अगर हम लोग कंपेरिजन करें कि यूनिट्स वाइज जो इनके प्रोडक्ट्स का सेल वो कैसा रहा है, तो उसमें भी आपको 28% का डाउन देखने को मिला है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर सेग्रीगेट करें हम लोग कि मीडियम और हेवी व्हीकल्स में कैसा रहा है, तो मीडियम और हेवी व्हीकल्स में ही सबसे ज़्यादा इसको मार पड़ी है इस कंपनी के ऊपर, और ये 39% का उस पर इनको डाउन देखने को मिला है। यही बहुत बड़ा बुरा असर हुआ इस कंपनी के ऊपर, और उसको यूनिट्स में अगर देखें तो इस साल इस 6722 यूनिट्स सेल हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम मंथ में 10996 यूनिट्स सेल हुए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला इनके मीडियम और हैवी व्हीकल्स में 39%। अगर टोटल अगर लाइट व्हीकल्स की बात करें, स्मॉल व्हीकल्स की बात करें, तो ये भी बिल्कुल फ्लैट रहा है, ना इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और ना ज़्यादा डाउन देखने को मिला है, और बिल्कुल फ्लैट रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस साल 4205 यूनिट सेल हुई थी और लास्ट ईयर 4203 यूनिट सेल हुई थी, तो ये बिल्कुल फ्लैट रहा है। तो नमूरा का मानना है इसने 72 का कट प्राइस टारगेट रखा है, तो
ये पहले भी नमूरा ने स्टॉक पे काफ़ी डाउनग्रेड किया था और स्टॉक को और टारगेट दिया था ही करीब करीब 70-80 के आसपास में, और फिर इसने 72 का टारगेट दिया है। अभी देखिए इसमें मुझे लगता है बहुत लोग का मानना है कि ये स्टॉक और 55 तक जा सकती है और 55 तक चांस है। और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी ज़्यादा एक बार इन्वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस स्टॉक में अगर एक दो क्वार्टर और बहुत बुरा रिजल्ट आ गया तो उससे भी नीचे जा सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, हर क्वार्टर के रिजल्ट के बेस पे इन्वेस्ट करिए, और अच्छा मौका है, इस कंपनी अच्छी है, कोई इसमें ये नहीं है। थोड़ा सा कुछ एक बार अचानक कई सारे न्यूज स्टॉक पर आ गए जिसका वजह और इसका नेट सेल्स पर देखने को मिला है, जिसके वजह से ये कंपनी में भारी मार पड़ी और अब हम लोगों को इसके स्टॉक प्राइस को काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन को ज़रूर हिट करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।